लाख के पार हुआ कोरोना का आंकड़ा। देश में बजी खतरे की घंटी। 9 राज्यों में मंडराया खतरा। हर हाल में रोकनी होगी कोरोना की रफ्तार। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में अब ये आंकड़ा 10 लाख को पार कर चुका है। दुनिया में यह आंकड़ा पार करने वाला तीसरा देश है। यहाँ अब हर रोज 35,000 के करीब मामले दर्ज किए जा रहे हैं। जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है, वैसे वैसे ही हर रोज नए रिकॉर्ड बनते और टूटते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश समेत ऐसे कई राज्य हैं जहां पर हर रोज हजारों की संख्या में केस आ रहे हैं, जो देश में आने वाले वक्त में कोरोना वायरस की लड़ाई को और भी ज्यादा मुश्किल कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं उन राज्यों के बारे में जहां कोरोना ने कहर बरपाया हुआ है। महाराष्ट्र, यहां पिछले 24 घंटे में 8,641 मामले सामने आए हैं। यहां कुल केसों की संख्या 2,84,000 पहुंच चुकी है। तमिलनाडु, यहां बीते 24 घंटे में 4,549 मामले सामने आए हैं। यहां अब कुल केसों की संख्या 1,56,000 हो चुकी है। दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहले चरण से तीसरे चरण पर पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में यहां 1,652 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं यहां मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,18,000 पहुंच गया है। कर्नाटक, यहां का भी बुरा हाल है। पिछले 24 घंटे में यहां 4,169 मामले सामने आए हैं। अब यहां मरीजों का कुल आंकड़ा 51,000 हो गया है। उत्तर प्रदेश, यहां पर भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 2,058 केस सामने आए हैं, जिसके साथ ही ये आंकड़ा बढ़कर 43,000 हो गया है। आंध्र प्रदेश, यहां पिछले 24 घंटे में 2,593 मामले सामने आए हैं। अब इस राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 38,000 को पार कर गया है। बिहार, इस राज्य में भी बुरा हाल है। बीते 24 घंटे में यहां 1,385 केस सामने आए हैं। यहां अब आंकड़ा बढ़कर 21,000 पार कर गया है। पश्चिम बंगाल, यहां भी बीते 24 घंटे में 1,690 केस सामने आए हैं। अब इस राज्य में 36,000 संक्रमित लोग हैं। तेलंगाना, इस राज्य में बीते 24 घंटे में 1,676 केस सामने आने के साथ अब यहां संक्रमितों का आंकड़ा 41,000 हो गया है। बता दें, देश में करीब 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना मामले सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में इन राज्यों को लेकर लगातार चिंता बढ़ती जा रही है। हालांकि अगर टेस्टिंग के आंकड़ों को देखें तो अब हर 3 दिन में 10 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं और 1 लाख केस सामने आ रहे हैं। यानी देश में अभी भी पॉजिटिविटी रेट 10% के आसपास बना हुआ है। लेकिन दूसरे मुल्कों के हिसाब से देखें तो रोज आने वाले केस के मामले में भारत अब सिर्फ अमेरिका से पीछे है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर, दिल्ली।